वेलकम टू प्रोजेक्ट ब्लॉग्स। हाय गाइस, सो आज मैं अपनी गाड़ी को लेके आया हूँ कार केयर सेंटर। तो आज हमारा एम है कि अपनी गाड़ी को सिरामिक कोट दोबारा से कराया जाए, बिकॉज गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं और गाड़ी थोड़ी सी रफ दिखने लगी है, शाइन थोड़ी सी डल हो गई है। तो अभी बेसिक काम स्टार्ट हुआ है इस पर, जहाँ पर भी मोटे मोटे स्क्रैचेज हैं या जो ज़्यादा ही डीप इन स्क्रैचेज हैं उनको थोड़ा सा स्क्रब किया जा रहा है, उनको थोड़ा सा कम किया जा रहा है। एंड अभी आप कंडीशन देख सकते हो गाड़ी की कि मतलब उतनी भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैंने लेते ही गाड़ी को सिरेमिक कोट करा दिया था। बट हाँ, थोड़ा सा डल आ गया है कलर में, थोड़ा सा एक वो जो कलर की चमक होनी चाहिए वो उतनी नहीं रह गई है। तो देखो, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ गाड़ी कैसी लग रही है। जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा ये डलनेस है ये गाड़ी में इसी वजह से है, बिकॉज 2-2.5 साल हो चुके हैं, धूप डस्ट की वजह से वो शाइन और वो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो अभी गाड़ी को लेके चलते हैं फर्स्ट वॉश के लिए। एंड अब हमारी गाड़ी फर्स्ट वॉश के लिए आ चुकी है, तो जो मिट्टी है और जो भी है उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था उसके ऊपर क्रीम्स एंड रिंगमार लगा के, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है सिरेमिक कोटिंग में कि उस पर कोई डस्ट पार्टिकल ना रहे। अभी फर्स्ट वॉश हो जाएगी और उसके बाद जाएंगे फिर पेंट बूथ में, क्योंकि इनके पास अपना एक डेडिकेटेड पेंट बूथ है जहाँ पे ये सिरेमिक कोटिंग और पेंट वगैरह करते हैं कार पे, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी रह ना जाए, जो कि बाद में एक एड ऑन टेंशन बन जाती है कि उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो आ गई हमारी गाड़ी अब पेंट बूथ में और अभी ही इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि धुल चुकी है, तो मतलब एक शाइन दिख रही है। बट अभी इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा, तो देखते हैं और कितनी शाइन बनती है इसके अंदर। और ये आ गई गाड़ी पेंट बूथ में। तो अब देखिए गाड़ी के कुछ शॉट्स, और अब भैया स्टार्ट करने वाले हैं फिर स्क्रबिंग, बिकॉज इसकी वजह से जो गाड़ी के ऊपर स्वेल मार्क्स हैं या ऑरेंज पील है जिसकी वजह से शाइनिंग थोड़ी डल दिख रही है, पेंट इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वो सब हट जाएगी। और इसके लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं 3M की डायमंड कट क्रीम, जो जिससे लाइक काफ़ी कार के ऊपर ज़्यादा स्क्रैचेस और मतलब ये बहुत लाइट सॉर्ट ऑफ क्रीम है, जिससे बहुत ज़्यादा आपका पेंट या जो क्लियर कोट होता है वो कट नहीं होगा, जो कि गाड़ी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब यहाँ पे यही चीज़ का एक बेनिफिट है कि यार आपको ना कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की जाएगी जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है या बहुत चीप टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर कार्स हेल्थ ओवरऑल। तो यही चीज़ सबसे अच्छी है, इस वजह से मैंने चूज़ किया था कार केयर सेंटर को। तो अभी देखिए काम स्टार्ट हो चुका है और आगे पीछे तो 2-3 बंदे लगे हुए हैं फटाफट गाड़ी को करने के लिए, बिकॉज मैंने थोड़ा सा कहा था कि यार कार थोड़ा जल्दी दे देना, मुझे कहीं जाना है। तो मतलब इतना बढ़िया यहाँ पे है सर्विस। तो देखो यार गाड़ी अभी मतलब आई थिंक फर्स्ट जो कोट है वो कवर हो चुका है, और देखो अब शाइन एकदम सही आ गई है गाड़ी में। तो अब इसके ऊपर क्लीनिंग का काम चल रहा है थोड़ा सा, एंड आप देखो यार लिटरली नो स्वेल मार्क, टोटल शाइन, और अब इस पर अप्लाई हो रही है सिरेमिक कोटिंग, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इनके पास। मतलब ये नहीं है कि जो नाम मार्केट में नॉर्मल सिरेमिक कोटिंग है जो कि पील ऑफ हो जाती है या जिसकी लेयर्स बन जाती हैं, वो नहीं है। तो इन्होंने गारंटी दी है कि अगर आप ये करा रहे हो तो आपको 1-2 साल तक भी कोई दिक्कत आएगी तो वी विल फिक्स दैट इशू, और कुछ भी ऐसा होगा ही नहीं पहली बार। तो ये देखो अप्लाई हो चुकी है और इसको सिरेमिक कोटिंग को रब ऑफ किया जा रहा है, और आप देखो कलर में डिफरेंस कितना है, बोनेट में और इस पैनल में ही कलर में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि पूरी कोटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कितना ही अच्छा लग रहा है। और इन्होंने स्पेसिफिकली मुझे कहा था कि आपको गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, रीज़न बीइंग क्योंकि अब ये पूरी रात गाड़ी इसी पेंट बूथ में ड्राई होगी और आप शाइन देखो यार गाइस, लिटरली कार ने एक नई फील ले ली है, नई लुक ले ली है, और अभी पूरी पैक हो चुकी है। अब इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो अब मैं जब आऊँगा आई थिंक कल रात तक मैं ही पिक कर पाऊँगा इसको, तो उसके शॉर्ट्स में सेम ही ऐड करूँगा। आप शॉर्ट्स देखो यार गाड़ी के, यार शाइन देखो गाड़ी में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि, और अभी भी ये लोग मतलब एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि अंदर भी कुछ गंदगी हो तो वो साफ हो जाए। मतलब दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम बैक हेयर, एंड अब मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, तो ये और क्लीन कर रहे हैं ताकि कुछ भी ना रह गया हो, एक फाइनल टचअप दिया जा रहा है कार को। और शाइन देखो भाई साहब, बिल्कुल भी सोल मार्क्स नहीं दिखेंगे आपको। इवन उन्होंने मेरा ग्लास भी सिरेमिक कोट कर दिया है, लोगो देखो, लोगो को भी क्लीन किया गया है, बैक साइड देखो, बैक साइड से भी आपको एकदम बिल्कुल न्यू लुक आ रही होगी, जैसे गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू हो चुकी है। और अभी भी भाई क्लीनिंग का काम जारी है, एंड ये देखो आप अभी गाड़ी को बिल्कुल रेडी हो चुकी है, स्टार्ट कर ली गई है, अब इसको बाहर निकाला जा रहा है। बस अभी शायद मुझे गाड़ी को बाहर निकाल के दे देंगे और
इसके बाद मैं गाड़ी लेके चला जाऊंगा। तो देखो यार गाइस, ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर मेरी गाड़ी का, जिसको मैंने मतलब अपनी गाड़ी को एक तरीके से मैंने दोबारा से ब्रांड न्यू कंडीशन में कर लिया है, और 2 साल प्लस हो चुके हैं, और अब गाड़ी की शाइन देखो गाइस कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब निकलते हैं, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर। और ये मैं चला।